तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस यार, आज की स्पीड में हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की स्पीड में हम वीवो फ़ोन की थीम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार, काफ़ी सारी कमेंट्स मेरे पास आ रही थी कि जो वीडियो मैं थीम्स की बनाता हूँ उन वीडियो में कि कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है गाइस? उनको प्रॉब्लम हो रही है कि वो जो है थीम्स को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कैप्चा फिल करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। कैप्चे की जगह उनको एम रिवर्ट की जगह उनको पिक नज़र आ रही है। तो उन सबको कैसे सॉल्व किया जाए आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यार वीडियो को पूरा देख लेना, आपकी वो प्रॉब्लम पक्का सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपका सारा कुछ ठीक है, आप आसानी से डाउनलोड कर लेते हो, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए जो मेरी थीम्स को डाउनलोड करते हैं और थीम्स को डाउनलोड करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। अगर उनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो के बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए गाइज, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज देखिए, सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे अपनी एक वीडियो का लिंक ले लिया है, ठीक है, थीम्स का लिंक। जैसे कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ पर मैंने ये लिंक आपको वही लिंक मैंने यहाँ पर कॉपी किया है। और मैं जैसे इस लिंक पर क्लिक करता हूँ, चलिए ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है गाइज, ठीक है। यहाँ पे आपको ले जाता है ये लिंक पे, जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये लिंक आपको यहाँ पे लेके जाता है। और उसके बाद सिंपल सा आपको करना क्या है, इजली यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, लिंक हेयर। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, कुछ नहीं देखना है, नीचे जाना है। यहाँ पर आपको दो टाइप में वेरीफाई लिखा हुआ मिल जाएगा, इजली आपको ये छोटा वाला वेरीफाई जो है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे गाइज, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, और उसके बाद आपको या नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा आई एम नॉट रिवॉर्ड, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा नीचे जाना है, तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन ये आ चुका है, बट यहाँ पे कई जगह कंटिन्यू आ रहा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर मिलेगा आई एम नॉट रिवॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल गया आई एम नॉट ए रिवॉर्ड, ठीक है। तो सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना, चलिए ठीक है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है पिक की, तो मैंने ये जानबूझ के इसको जो गलत किया गाइस, ठीक है। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये और खुद जानबूझ के कट किया, जबकि एक बार मैं क्लिक कर देते हैं तो जो है राइट हो जाता है। कभी कभी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है पिक की, ठीक है। अब पिक का क्या मैटर है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पिक का मैटर ये है गाइज कि जब भी आपको यहाँ पे आए, तो यहाँ पे जब भी इस टाइप की कुछ पिक आती है तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, पिक के ऑप्शंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पिक के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा जिस चीज़ का भी नाम हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ट्रैफिक लाइट, तो इसमें से आपको करना क्या कि चार इमेज आपको सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको ट्रैफिक लाइट देखने को मिलती हो, ठीक है। तो जैसे एक इसमें मिल गई, एक इसमें मिल गई, तो ट्रैफिक लाइट वाली आपको सारी सिलेक्ट कर लेंगे, कम से कम तीन तो करनी है, ठीक है, बस इजली आपको कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपकी जो भी वो है तो क्लिक हो जाती है, ठीक है। इस टाइप से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये मैंने जानबूझ के रॉन्ग टाइप किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइक साइकिल, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आई एम नॉट रिवॉर्ड पर क्लिक करूँगा तो जो इमेज आ गई, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मुझसे बोलना है कि बाइक बाइक साइकिल आप मुझे यहाँ से सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ से बाइक की चारों इमेज क्लिक करके नेक्स्ट कर दूंगा, और यहाँ से जो है मैं क्लिक कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए किया, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ राइट करके, ठीक है। अब मैं इसको स्किप कर देता हूँ, इसको भी स्किप कर देता हूँ, और यहाँ से मैं कर देता हूँ स्टेयर्स। तो यहाँ पे जो सीरीज वगैरह अपने को सिलेक्ट कर लेनी है, तो यार तो देखिए ठीक है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से सिलेक्ट करना रहता है। मैं आपको बहुत ही आसानी से सिलेक्ट करा रहा हूँ, और देखिए यहाँ पे जो वेरीफाई हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बार वेरीफाई नहीं है तो यहाँ पे आपको सिंपल सा कार सिलेक्ट कर लेना, इसमें से कार सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे तीन फोटो में कार नज़र आ रही है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ एक कार, और यहाँ से देखनी है तो यहाँ पे ये कार मेरी मिल गई, ठीक है। और मैं यहाँ से वेरीफाई कर लूँगा, तो यहाँ पे बस यही आपको करना रहता है। वेरीफाई करने के लिए बस आपको यहाँ पे जो है कि बताया जाता है कि आपको ये चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे कार नहीं दिख रही है इसमें, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जहाँ भी लगे कि हाँ यहाँ पे कार हो सकती है, तो बस आपको वही सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि आपको यहाँ पे कार के ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, वेरीफाई मैंने कर दिया है, तो ये देख सकते हैं मेरा जो कैप्चा था वो मैंने कार की फोटो सेलेक्ट करके जैसे ही कंटिन्यू किया, मेरा जो कैप्चा था ऑटोमेटिक फिल हो गया। और उसके बाद में आपको यहाँ पे फिर नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, वो भी छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला, ठीक है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे गाइज, आपको डायरेक्टली आपके उस पर लिंक पर ले जाएगा, तो यहाँ पर आपको आ जाएंगे, और यहाँ से आपको जाके
थोड़ा सा टाइम चलेगा, तो मैं टाइम कहाँ चलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये टाइम आपको ख़त्म करना है, यहाँ तक आपको वेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, तो मेरा जो टाइम है वो जो एक घटने स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं 14 सेकंड रह गए, तो ये ऑटोमेटिक घट जाएगा, ठीक है। जैसे आपका ये जो टाइम ख़त्म होगा, तो यहाँ पर नीचे प्लीज़ वेट लिखा हुआ है, यहाँ पे रेडी लिंक गेडी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ ऐड आ रहे हैं, इनको आपको कट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा टाइम है वो ऑटोमेटिक कट होने लगा है, तो इतना टाइम लगता नहीं गाइस फिलहाल इसमें, थोड़ा सा शायद मेरा नेट स्लो इसलिए हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम ऑटोमेटिक घटना स्टार्ट हो गया, ये टाइम आपको हमेशा घटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम घट चुका है और 2 सेकंड 1 सेकंड और है, उसके बाद यहाँ पर जो जैसे टाइम ख़त्म होगा यहाँ पर आपको जो प्लीज़ वेट कीजिएगा, तो यहाँ पे गेट लिंक लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे गाइज आपका जो है थीम से यहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे, तो देख सकते हैं कि इजीली आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। ऐसे ही आप डाउनलोड कर पाओगे, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मुझे निकल के आ जाएगा और मैं यहाँ से थीम्स को डाउनलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं थीम्स मेरी डाउनलोड हो जाएगी, चाहे थीम्स हो या फोटो, किसी भी चीज़ को आप यहाँ से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, चाहे आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कैप्चा की हो, किसी की भी, तो ऐसे ही आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि गाइज आपको कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी आप कमेंट कर दें, जिससे कि मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सकूँ। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।